गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 12th ऑफ क्लास 8, विच इज़ साउंड. हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड? अवर एबिलिटी टू मेक साउंड्स इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस. साउंड इज़ अवर बेसिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर. ऑल दो मैनी एनिमल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय मेकिंग साउंड्स, ह्यूमन्स इन पर्टिकुलर हैव ए वेरी हाईली डेवलप्ड एंड रिफाइंड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेटिंग विद साउंड्स इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस. वी प्राइमरली कम्युनिकेट विद साउंड इवन ओवर लार्ज डिस्टेंसेज व्हेन वी कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग ए फोन. ठीक है, डू यू नो हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड? ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए वाइब्रेशन. सो क्या होता है, वॉट इज़ साउंड? अवर एबिलिटी टू मेक साउंड इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ये तो ये बात तो है कि जो हमारी एबिलिटी है साउंड्स प्रोड्यूस करने की या उन्हें सुनने की, ये एक बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस रखती है हमारे डे टू डे लाइफ में. साउंड क्या है? हमारे एक बेसिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग से कम्युनिकेट करता है. और ऑल दो मैनी एनिमल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर. देखिए, वैसे भी एनिमल्स जो होते हैं, जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. उनका खुद का जो साउंड मेकिंग होता है वो उनमें पर्टिकुलर होता है. लेकिन क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर एक हाईली डेवलप्ड और रिफाइंड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है विद साउंड. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस. हम क्या करते हैं, अलग अलग हमने लैंग्वेजेस डेवलप करी हैं, अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस. साउंड से क्या होता है, हम लैंग्वेजेस बनाते हैं अलग अलग जगहों के. आपने देखा है अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं. वी प्राइमरीली कम्युनिकेट विद साउंड इवन ओवर लार्ज डिस्टेंसेज व्हेन वी कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग ए फोन. ठीक है ना, क्या होता है, जब हम लार्ज डिस्टेंसेस पे हम एक दूसरे से बात करते हैं, हमारा क्या करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं. तो फ़ोन में क्या होता है, हमें एक दूसरे का चेहरा तो नहीं दिखता, हालांकि अभी वीडियो कॉलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसेस चल गए हैं, लेकिन फिर भी सबसे जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, साउंड ही होती है. साउंड से ही क्या होता है, आपको पता चलता है, इंडिकेशंस मिलते हैं कि सामने वाला आपसे क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या चाहता है. तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मीन हो गया, जिससे हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग से कम्युनिकेट कर सके. अब साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है? साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन. वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड में. हमारा जो ये बकल कैविटी होती है, इसके अंदर क्या होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, जिससे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है. ए वाइब्रेशन इज डिफाइंड एज ए रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ ए बॉडी अबाउट ए सेंट्रल पोजिशन. अब देखो, वाइब्रेशन क्या होता है, किसी भी बॉडी में अगर वाइब्रेशन होता है तो वॉट इज़ वाइब्रेशन. अगर कोई भी पर्टिकुलर बॉडी, कोई भी मॉलिक्यूल है आपके हवा के अंदर या आपके हाथ में, कोई भी चीज़ है, अगर वो अपनी मेन पोजिशन से जहाँ वो प्रेजेंट है उसको छोड़ के वो आगे जाता है और दोबारा पीछे आ जाता है और फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जिससे वो आगे गया था वहाँ जाता है, वही ये पूरा एक ऑस्किलेशन क्या कहलाएगा, वाइब्रेशन. वन वाइब्रेशन कहलाएगा. ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड. तो जितने भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं सब साउंड क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. एनी ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस ए साउंड इज कॉल्ड ए सोर्स ऑफ साउंड. ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, सोर्स कहलाते हैं. वही साउंड क्या है, सोर्स, जिससे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं. ठीक है, लेट अस परफॉर्म ए सिंपल एक्टिविटी टू ऑब्जर्व हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट. अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हम क्या पता लगाएंगे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेशन से अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है. एक्टिविटी एम टू अंडरस्टैंड हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. हमें ना ये देखना है कि आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. मटेरियल नीडेड, पेंसिल, पेंसिल बॉक्स, हैंडकरचीफ, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल एंड शीट ऑफ पेपर. ये सारी क्या है, आपको आपके घर में प्रोवाइड होंगी, सारी आपके हाउस होल्ड मटेरियल्स हैं. आप एक पेंसिल ले लीजिए, आपका पेंसिल बॉक्स रख लीजिए, आपका एक हैंडकरचीफ होता है रुमाल वो ले लीजिए, आपका लंच बॉक्स, ये सब ले लीजिए. मेथड, यूज़ द आइटम्स गिवन अबाउट टू मेक ए साउंड. यू कुड नॉक ऑन देम इंडिविजुअली और नॉक वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर. अब आपको ये करना है, हम सब ने ये आइटम्स क्यों लिए, क्या कि हम साउंड प्रोड्यूस कर सकें. और हम कैसे साउंड प्रोड्यूस करेंगे, हम या तो नॉक करेंगे उसके ऊपर, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमारे हाथ से या तो टैप करेंगे या नॉक करेंगे, या हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर मारेंगे, हिट करेंगे. ठीक है, यू कुड ऑल्सो यूज़ योर हैंड्स एंड माउथ टू मेक डिफरेंट साउंड. हम हमारे हाथ और हमारे मुँह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग साउंड्स बनाने के लिए. एज यू विल ऑब्जर्व यू कैन मेक मैनी डिफरेंट साउंड्स. अब हमने क्या ऑब्जर्व करा कि हम हमारे मुँह से क्या कर सकते हैं, अलग अलग साउंड्स बना सकते हैं. और नॉट ओनली अवर माउथ, हमने जितने भी है मटेरियल्स लिए हैं इन सबसे भी क्या हो रहा है, अलग अलग साउंड्स क्रिएट हो रही हैं. डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व वॉट यू नीड डिड टू मेक ईच साउंड. अब आपने क्या ये ऑब्जर्व करा कि आपने जितने भी साउंड्स क्रिएट हुई हैं पेंसिल से, पेंसिल बॉक्स से, हैंडकरचीफ से, सबसे एक अलग अलग साउंड क्रिएट हुई है. सब क्या है, अलग ही एक हम समझ में आ रहा है कि सब जो साउंड्स है एक दूसरे से डिफरेंट है. तो अब आपको ये देखना है कि आपने क्या किया,
जिससे ये साउंड क्रिएट हुई. ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन. इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली यू विल नोटिस दैट इन ईच केस व्हेन यू प्रोड्यूस ए साउंड यू आर एक्चुअली मेकिंग एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट. अब आप इसे केयरफुली ऑब्जर्व करिए, केयरफुली देखिए, क्लोजली आप क्या देखेंगे, जैसे ही आपने साउंड प्रोड्यूस की ना, आप क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कर रहे हैं. चैलेंज यूर सेल्फ बाई मेकिंग एनी साउंड यू वॉन्ट एंड यू वॉन्ट एंड सी इफ इट इज़ ए कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ए वाइब्रेशन. यू कैन ईजिली वेरीफाई दिस इन केसेज वेयर यू स्पीक और सिंग बाई होल्डिंग योर फिंगर्स टू योर थ्रोट वाइल यू डू इट. ठीक है, यू विल फील अ वाइब्रेशन इन योर थ्रोट. यू कैन ऑल्सो मेक साउंड्स बाई क्लैपिंग योर हैंड्स, टॉकिंग एंड इवन स्नैपिंग योर फिंगर्स. ठीक है ना. अब क्या हमने क्या देखा, हमने अलग अलग साउंड्स क्रिएट किए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स से. ठीक है ना. और ये सब क्या था, असल में उन ऑब्जेक्ट्स का वाइब्रेशन था जो अलग अलग साउंड्स क्रिएट कर रहा था. हम क्या कर सकते हैं, हमारे माउथ, हम जब बोलते हैं, आपने देखा होगा जब जैसे हमारा हाथ हमारे माउथ के पास लेकर आते हैं, हमें एक सेंसेशन वाइब्रेशन फील होता है. जिस वक्त आप बोल रहे हो, आप अपने थ्रोट, जो आपकी नेक है, आपका गला है, इसके ऊपर आप आगे की तरफ अपनी उंगलियों को रख के देखिए, फिंगर्स को प्लेस करके देखिए, आप क्या देखेंगे, आपको एक वाइब्रेशन फील होगा आपके गले पर, आगे की तरफ जो गला है. तो ये क्या हो रहा है, आपके वोकल कॉर्ड्स हैं जिसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, साउंड क्रिएट हो रही है. कंक्लूजन. From the above activity we understand that sound is produced by vibration. अब इन activities से हमें क्या पता चला कि जितनी भी sounds create होती हैं, produced होती हैं, वो क्या है, vibration के through produced होती हैं. When we speak, our lips, tongue, half of the mouth, roof of the mouth, teeth, voice box, etc. help in making sounds for different words. अब क्या होता है, हम जब बोलते हैं तो हमारे जो होंठ होते हैं, टंग होती है, ये सब क्या होती है, रूफ ऑफ द माउथ, आपके जो मुंह के अंदर का ऊपर का जो पार्ट होता है, आपके टीथ, वॉइस बॉक्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, हमें साउंड क्रिएट करने में मदद करते हैं और अलग अलग वर्ड्स बोलने में. आप देखिए, हम बोलते हैं ए बी सी डी, जितने भी वर्ड्स हम बोल रहे हैं, तो ये सब कैसे बन पा रहे हैं, सभी चीज़ों की मदद से, आपके माउथ, रूफ ऑफ माउथ, टीथ, वॉइस बॉक्स की हेल्प से. ठीक है. द बेसिक ऑर्गन इन अवर बॉडी दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस साउंड इज़ द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स. ठीक है. तो जो बेसिक ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में काम आता है, वो वॉइस बॉक्स कहलाता है, और इसका एक और नाम है जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं. द लैरिंग्स इज प्रेजेंट इन द नेक एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. ठीक है. अब ये लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे नेक में. विंड पाइप का मतलब है जिससे आप सांस लेते हैं, जिस नली से आप सांस लेते हैं ना, उसके ऊपर ये वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं. थिन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लैरिंग्स. अब क्या होती है, लैरिंग्स के ऊपर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. आप 12.1 के डायग्राम में देखिए, लैरिंग्स दे रखा है, अब इसके ऊपर क्या दे रखे हैं, दो वोकल कॉर्ड्स, यानी ये मेम्ब्रेन से, पतली पतली मेम्ब्रेन से, जो कि बहुत स्ट्रेच, यानी कसी हुई होती हैं लैरिंग्स के ऊपर. एंड मसल्स अटैच टू दीज वोकल कॉर्ड्स अलाउ अस टू कंट्रोल द टेंशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट टोन्स ऑफ साउंड. टेंशन का मतलब है कि इसे कितना ओपन होना है, कितना बंद होना है, इन्हें कितना स्ट्रेच्ड होना है, इन्हें कितना ढीला रहना है. इसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ मसल्स लगे होते हैं वोकल कॉर्ड्स के ऊपर, जो कि क्या होता है, इन्हें रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं. दिस इज़ हाउ वी कैन प्रोड्यूस ए वाइड वेराइटी ऑफ साउंड्स व्हेन वी स्पीक और सिंग. इसी की वजह से, इन्हीं वोकल कॉर्ड्स, इन्हीं मसल्स की वजह से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग साउंड जब हम गाते हैं, बोलते हैं, उन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं. वेराइटी ऑफ साउंड्स वी कैन प्रोड्यूस. वर्ड हेल्प. टेंशन, यहाँ एक वर्ड आया, टेंशन इन फिजिक्स रेफर्स टू द डिग्री बाय विच वी स्ट्रेस समथिंग. अब इस फिजिक्स के अंदर टेंशन क्या कहलाता है, एक वो डिग्री जिससे हम किसी भी चीज़ को स्ट्रेच कर सकें, किसी भी चीज़ को खींच सकें या ढीला कर सकें, वही क्या कहलाता है, टेंशन कहलाता है. प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर. We have seen how sound is produced by vibration. Let us now see how we receive it. You know that sound is produced by a source. देखो, हमने ये तो जान ही लिया है कि साउंड क्या होती है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है. अब हमें ये देखना है कि हम इसे कैसे रिसीव करते हैं. अब हमें ये भी पता चल गया है कि साउंड एक सोर्स के थ्रू क्रिएट की जाती है. वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, हमारे अंदर वो सोर्स वोकल कॉर्ड है जो लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है विंड पाइप के ऊपर. ठीक है, हमने बॉक्स से, पेंसिल से, इनसे भी साउंड क्रिएट की ऊपर एक्टिविटी में. अब हम देखेंगे, वाइल साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम ए सोर्स थ्रू द एयर एंड रीचेज अवर ईयर्स एंड वी आर एबल टू हियर इट. देखो, साउंड क्या होता है, एक सोर्स में ट्रेवल करती है हवा, ठीक है ना, थ्रू द एयर, और फिर क्या होता है, उससे वो हमारे कानों तक पहुंचती है, रीच करती है, और हम उसे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं. वाइल दिस इज समथिंग यू मे ऑलरेडी नो, वी नीड टू गो इन टू ए लिटिल डिटेल ऑफ द प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड वॉट हैपन्स. ठीक है ना. अब हमें क्या करना है, थोड़ी डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि यह सब कैसे होता है. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए लाउड स्पीकर टू अंडरस्टैंड हाउ साउंड ट्रेवल्स एंड रीचेज आउट ear, our ears. ठीक है.
अब हम क्या करते हैं, एक लाउड स्पीकर ले लेते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या पता लगाएंगे कि साउंड क्या करती है, कैसे ट्रैवल करती है और हमारे कानों तक पहुंचती है। व्हेन द लाउड स्पीकर प्रोड्यूसेस साउंड, अ मेम्ब्रेन इन द स्पीकर वाइब्रेट्स और इन द अदर वर्ड्स, ठीक है, इट मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रैपिडली। अब वाइब्रेशन का तो मतलब होता ही होता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, यानी आगे पीछे होना किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे से वो हवा में प्रेजेंट एयर मॉलिक्यूल हो या कोई भी बॉडी हो। अगर हम पेंसिल से अगर किसी आप स्टील के ऊपर मारेंगे तो बहुत उसे केयरफुली देखने पे आपको क्या लगेगा कि वो आगे पीछे हो रहा है, चाहे से वो डिस्टेंस बहुत कम होगी लेकिन आप केयरफुली देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो लाउड स्पीकर में भी यही होता है, जब साउंड क्रिएट होती है तो क्या होता है, उसकी इंटरनल मेम्ब्रेन जो लाउड स्पीकर की होती है वो वाइब्रेट करती है जिससे साउंड क्रिएट होती है, ठीक है। दिस वाइब्रेशन पुशेज फॉरवर्ड द एयर मॉलिक्यूल्स इन इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। तो वाइब्रेशन, वो जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं मेम्ब्रेन में स्पीकर की, वो क्या करते हैं, जो एयर मॉलिक्यूल उसके टच में आते हैं, आप जानते हैं कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो हम सबके टच में हैं, हम अगर एनवायरनमेंट में बैठे हैं खड़े हैं तो हमारे पूरी जितनी भी हमारी बॉडी की जो आउटर लेयर है उसके ऊपर क्या हो रहा है, एयर टच हो रही है। तो वैसे क्या होगा, जब वाइब्रेशन क्रिएट होगा, जब स्पीकर के अंदर साउंड प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन होगा उसके मेम्ब्रेन में, तो उसकी वाइब्रेशन से जितने भी एयर मॉलिक्यूल टच में आ रहे हैं उसमें भी क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा। पुशेस, दिस वाइब्रेशन पुशेस फॉरवर्ड द एयर मॉलिक्यूल, क्या होगा, ये वाइब्रेशन क्या करेगा, धक्का देगा एयर मॉलिक्यूल्स को आगे की तरफ इमीडिएट सराउंडिंग्स में, एंड देन पुल्स इट बैक इन रैपिड सक्सेशन, दस सेटिंग अप ए वाइब्रेशन इन द एयर मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, वो एयर मॉलिक्यूल जो अपने आगे की तरफ धकेलेगा वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएंगे, फिर जो स्पीकर की मेम्ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगा, फिर दोबारा एयर मॉलिक्यूल के होंगे आगे पीछे होंगे, इससे क्या होगा, एक साउंड क्रिएट होती जाएगी। बिफोर द मेम्ब्रेन ऑफ द लाउड स्पीकर बिगिन्स टू वाइब्रेट द एयर मॉलिक्यूल अराउंड इट आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट, ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे ही लाउड स्पीकर की मेम्ब्रेन क्या होगी, वाइब्रेट होना शुरू करेगी, दोबारा होगी, तो जो एयर मॉलिक्यूल के अंदर जो वाइब्रेशन होगा वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। वंस द मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स, द एयर मॉलिक्यूल्स आर पुश्ड क्लोजर टू ईच अदर एंड पुल्ड अपार्ट इन रैपिड सक्सेशन। वंस द मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स, क्या होगी, जैसे ही मेम्ब्रेन वाइब्रेट होना शुरू होगी, आगे पीछे होना शुरू होगी, बैक एंड फुट मूवमेंट उसमें शुरू होगा, तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं पुश्ड क्लोजर टू ईच अदर एंड पुल्ड अपार्ट इन रैपिड सक्सेशन, यानी क्या होगा, सबसे पहले धकेले जाएंगे, पास पास जाएंगे, फिर वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाएंगे, फिर दोबारा ये प्रोसेस होगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट द एयर मॉलिक्यूल्स अराउंड द मेम्ब्रेन ऑफ द लाउड स्पीकर विल नो लॉन्गर बी यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट बट विल हैव रीजन्स वेयर द एयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर कॉल्ड कंप्रेशन, ऑल्सो रीजन वेयर दे आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर कॉल्ड रेयरफैक्शन, ठीक है। यहाँ दो वर्ड्स आए हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। ये क्या है, जो एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पीकर की मेम्ब्रेन की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, डिस्टर्ब हुए वो एयर मॉलिक्यूल आगे पीछे हुए, क्योंकि जो लाउड स्पीकर की मेम्ब्रेन थी उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, उसने अपने एयर मॉलिक्यूल से उसके ऊपर क्या करा, पुश मूवमेंट करा, उससे क्या हुआ, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया वो मूवमेंट पूरे एनवायरनमेंट में, तो उससे क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ सारे एयर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, क्लोज टुगेदर हो जाएंगे, वो पॉइंट क्या कहलाता है, कंप्रेशन कहलाता है। फिर एकदम वो क्या हो गया, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट लेंगे, दोबारा अपनी मेन पोजिशन पर आ जाएंगे, यानी वो अलग अलग हो जाएंगे, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, रेयरफैक्शन कहेंगे। दीज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन टर्न इन देयर टर्न push and pull apart their neighboring air molecules, producing further compression and rarefaction. This is how the effect of the sound vibration travel in air. अब क्या होता है, ये compression, rarefaction होता रहेगा, air molecules की करेगा push और pull करता रहेगा उनके neighboring molecules में, क्योंकि आप जानते हैं air के अंदर अलग अलग gases present होती हैं, वो अलग अलग molecules से मिलकर बनी होती हैं, तो क्या हुआ, एक molecule दूसरे molecule को क्या करेगा, जो push करेगा, फिर वो दोबारा अपनी position में आ जाएंगे, तो ये compression, rarefaction होता रहेगा, होता रहेगा, इससे क्या होगा, हमारे कानों तक ये डिस्टरबेंस अंदर आएगा, जिससे क्या होगा, जो साउंड वाइब्रेशन है ऐसे ही ट्रैवल करती है एयर के अंदर, और उससे क्या होगा, हम स्पीकर की जो साउंड स्पीकर ने क्रिएट करी, जो उसकी वाइब्रेशन हुई मेम्ब्रेन में, वो हम सुन सकेंगे, हमारे ईयर्स तक क्या हो जाएगी, वो ट्रैवल करेगी इसी कंप्रेशन रेयरफैक्शन के थ्रू। द प्रोसेस By which sound travel in air is called propagation of sound in air. अब यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर। साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू एयर बाई कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन आप समझ ही गए थे, जब एक साथ क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होता है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब सारे पास पास आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कंप्रेशन, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो दूर दूर हो जाते हैं, तो वो रेयरफैक्शन कहलाता है, ठीक है।
तो कैसे साउंड प्रोपोगेट करती है एयर में, कैसे ट्रैवल करती है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के थ्रू. वी शुड नॉट दैट इट इज़ ओनली द इफेक्ट, द कंप्रेशन एंड द रेयरफैक्शन रेट ट्रैवल्स वाइल द एयर मॉलिक्यूल्स ओनली वाइब्रेट अबाउट ए मेन पोजिशन इन द सेम प्लेस. द एयर मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स डू नॉट ट्रैवल इन ऑल द वे. क्या होता है, अब हमने देखा स्पीकर हमने लिया जिससे मेम्ब्रेन ने साउंड क्रिएट किया और वो साउंड क्या हुई, साउंड क्या हमारे कानों तक आई. तो वो एयर मॉलिक्यूल उठ के हमारे कानों में नहीं आए हैं, नहीं, बस वो जो वाइब्रेशन करते 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 वो एक दूसरे नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं. तो ये वाइब्रेशन क्या हो रहा है, एक चेन में क्रिएट हो रहा है. वही वाइब्रेशन क्या हो रहा है, हमारे कानों तक आ रहा है. एयर मॉलिक्यूल्स नहीं आ रहे हैं हमारे कानों तक, बस वो जो वाइब्रेशन, जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन हो रहा है ना, यही चीज़ हमारे कानों तक आ रही है. साउंड ट्रैवल थ्रू एयर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स. द वेरी नेचर इन विच साउंड ट्रैवल्स बाय कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस रेफर टू ए मीडियम टू ट्रैवल. ठीक है ना, अब क्या कहेंगे हम, एयर मॉलिक्यूल क्या हुआ, मीडियम कहलाया. ये मीडियम क्या था, एयर का, एयर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एयर में कैसे ट्रैवल करती है, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के थ्रू. और यही क्या कहलाएगा, मीडियम कहलाएगा. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ साउंड. साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रैवल एंड देयरफॉर कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. अब देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट आया है कि साउंड हमेशा एक मीडियम में ही ट्रैवल करती है. ठीक है, एंड साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं करती, एक मीडियम में ही ट्रैवल करती है. सो क्या होगा, साउंड के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, चाहे से वो एयर हो या लिक्विड हो या सॉलिड स्टेट हो. ठीक है, एनालिसिस ऑफ साउंड वेव्स ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज के लिए इतना ही. Thank you.